नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं गुजरात की कुछ खास खबरों की। गुजरात के सूरत में वन सटीक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जन्माष्टमी का आयोजन। खबर गुजरात के सूरत शहर के वेजू विस्तार में आज वन सटीक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योति पटेल कन्हैया बनी, वही तृप्ति टुटेजा ने राधा का किरदार निभाया। साथ ही जयश्री पांडे, बबीता सचदेवा, कविता डांगे तथा अन्य महिलाएं गोपियां बनी। इसके अलावा भजन कीर्तन एवं गरबे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर जन्माष्टमी का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया। सूरत से संवाददाता मनीष देवत्ते की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम पूनम बेगारी। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम था, क्या चीज़ का था? यहाँ आज जन्माष्टमी का भव्य प्रोग्राम हो रहा है। भव्य यानी जो हमारे भगवान है, परम, जिनको हम जानते हैं, श्री कृष्ण परम भगवान है, जिसमें सात ऐश्वर्य पाए जाते हैं। जिसमें सात ऐश्वर्य पाए जाते हैं वही भगवान होते हैं। आज भगवान के हांडी पोर प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है, साथ में भव्य आरती, बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। हर घर घर में ये प्रोग्राम होता है। कितने साल से आप लोग मना रहे हैं? ये सदियों से चलते आ रहा है, आज ही युग युगों से ये जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसमें क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान है। जिस तरह से भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अजन्मा है। धरती पे आके भगवान लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो कौन होता। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ये जो देने वाले वो स्वयं भगवान है। हम भगवान को ही भगवान नहीं समझ पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम इस्कॉन भक्ति कर रहे हैं। आज हमारा इस्कॉन टेम्पल वेसू में बन रखा है। आप सभी को इस्कॉन टेम्पल वेसू में आके राधा गोविंद का दर्शन करें। राधा चरण प्रभु जी ने बहुत ही उत्साह से ये मंदिर बना रहे हैं। मैं सारे कृष्ण भक्त से कहूँ कि आप आज ये क्या त्यौहार, क्या चीज़ का यहाँ पे आप प्रोग्राम? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पे प्राकट्य किया था और हम सबको सौभाग्य देने के लिए वो आए। ये कृष्ण कैसे हैं कि जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य उगता है तो डेली उगता है, तो हम बोलते ऐसा नहीं बोल सकते कि आज सूर्य का जन्म हुआ। वैसे ही भगवान पहले से ही है, अजन्मा है और वो बार बार इस पृथ्वी पर आते हैं, चाहे राम रूप में हो, नरसिंह रूप में हो, वराह रूप में हो। लेकिन ये कृष्ण आप देखिए कि वो आज 5,500 साल हो गए हैं, फिर भी उनका जन्मदिन आज भी मनाया जाता है इस संसार में। कि कोई भी धर्म में आज कोई भी देवी देवताओं का ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ पे इतने सालों बाद और इतनी जन्माष्टमी जैसा फेस्टिवल, उनका बर्थडे इतना धामधूम से मनाया जाए। और विशेष रूप से हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं श्री प्रभुपाद जी के, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य का, जिन्होंने फॉरेन कंट्री में जाकर के इस बात का प्रचार किया। और आज फॉरेन के आप लोग कभी वृंदावन गए हो तो देख सकते हो कितने सारे गोरे लोग सब कुछ अपना ऐश्वर्यमय जीवन छोड़ करके वहाँ पे वृंदावन में मिट्टी के बीच में खेल रहे हैं और कृष्ण भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो आज का दिन हमको यही सिखाता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण को अपने जीवन में लाने का कोशिश करना चाहिए और इस फॉरेनर को एटलीस्ट देख करके हमको अपने जीवन में कृष्ण को लाना चाहिए। हरे कृष्ण।